नमस्कार, रिक्तम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। भारत में होगा आर्टिफिशियल ग्लोबल पार्टनरशिप समिट का आयोजन। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा नई तकनीक से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच अंतर नहीं बढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यह जरूरी है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मालदीव पहुंचे राष्ट्रपति मोइजू के शपथ ग्रहण समारोह में, लेंगे हिस्सा। 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेनें चलेंगी, खत्म होगा वेटिंग टिकट का झंझट, रफ्तार बढ़ाने को तैयारी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का आया बयान, बोले कांग्रेस को सरकार चलाना नहीं आता, हम 5 में से 4 राज्यों में बनाएंगे सरकार। पीजी पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी का नया मसौदा तैयार, 4 साल की स्नातक डिग्री वाले कर सकेंगे 1 वर्षीय पीजी कोर्स। कनाडा में ड्यूटी के दौरान एक भारतीय नागरिक को गोली मारकर हत्या, 3 माह पहले स्टडी वीजा कनाडा गया था रायकोट का युवक जगराज। इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा भारत शांति का समर्थक साथ ही बहुत प्रभावशाली देश है। बाइडन ने भारत के साथ मजबूत साझेदारी का वादा किया, कहा अमेरिका सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। गाजा के अलशिफा अस्पताल में हमास द्वारा बंधक बनाई गई महिला का मिला शव, इसराइल ने किया दावा। इसराइल हमास युद्ध के दौरान गाजा के लोगों की मदद के लिए अमेरिका की ओर से एक खेप सहायता सामग्री भेजी गई। दमिश्क में ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ इसराइल ने हवाई हमला किया शुरू। म्यांमार के जुंटा विरोधी समूह का म्यांमार सैनिक शिविर पर कब्जा, भारत की सीमा लांघकर 29 जवानों ने ली मिजोरम में शरण। हरियाणा के नूह में फिर बिगड़े हालात, कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर फेंके गए पत्थर। एमपी और छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेशवासियों से की मतदान करने की अपील, कहा पहले करे मतदान फिर करे जलपान। मध्य प्रदेश के दिमनी सीट के एक बूथ पर 2 पक्षों में चली गोलियां, भगदड़ में 2 भाई। मणिपुर में असम राइफल्स पर हमला, ब्लास्ट के बाद गोलीबारी, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। असम में 8756 उग्रवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, सीएम हेमंत बोले नई दिशा की ओर बढ़ रहा है असम। त्योहारी सीजन में भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे की तैयारी, गुजरात से चलेगी 15 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता और खराब श्रेणी में, दिल्ली में AQI 437, गुरुग्राम में 404, ग्रेटर नोएडा में 313, वहीं नोएडा में 366 किया गया दर्ज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स दिलाएंगी भाजपा को जीत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर के 3 आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में की वोटिंग, कहा अगर दूसरा दल जीतेगा तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। इटावा में 2 ट्रेनों में आग लगने की घटना पर रेलवे सख्त, डॉग स्क्वाड तैनात, CCTV से की जा रही है निगरानी। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान राहु में बवाल, भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग भीड़ को किया तितर बितर। चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आप प्रत्याशी पप्पू कुरैशी ने कांग्रेस उम्मीदवार को दिया समर्थन। हरियाणा में अब शव लेकर नहीं कर सकेंगे सड़क जाम और धरना प्रदर्शन, कानून लाएगी सरकार। तमिलनाडु के तिरुपुर में कार और ट्रक की टक्कर, 5 की मौत। बिहार के मधेपुरा में स्कॉर्पियो ने मारी बाइक को टक्कर, 2 युवक की मौत। RBI ने कड़े किए नियम, उपभोक्ता रिस्क वेटेज को 100% से बढ़ाकर 125% किया, अब बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कर्ज लेना और क्रेडिट कार्ड रखना होगा महंगा। मौद्रिक नीति उपायों व आपूर्ति के मोर्चे पर हस्तक्षेप से महंगाई से मिली राहत, RBI ने दी जानकारी। त्योहारों में सनातन अर्थव्यवस्था का 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ कारोबार, कुल खर्च 100 देशों की GDP से भी ज्यादा, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दी जानकारी। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल के क्लाइमेक्स गाने की रिकॉर्डिंग हुई पूरी, बी प्रैक ने पोस्ट कर साझा की जानकारी।